नहीं तो मैं देवलोक जाकर के इतने समय के बाद आऊंगी। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने हमें अरबों रुपए थे, बहुत बड़े धनी संपन्न परिवार की थी, उन्होंने सब कुछ दान देने के बाद टाट पहनती थी और सीमेंट से स्वयं कैलाश जो निर्माण किया है, आज भी पौर्णिमा के दिन वहाँ पर गंगा जल आता है केरल में और गंगा जल ही प्रसाद की बनती है। न वहाँ पर कोई चीज़ का आप एक पैसा दे नहीं सकते, कोई चीज़ स्वीकार नहीं। कहने का मतलब ये है कि त्यागी तो है। अगर गीता के बारे में आप मुझसे पूछना चाहें, मैं तो कहूँगा गीता पढ़ने की आवश्यकता है, उसका ही उल्टा कर दो ताली। और आप पहला ही अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो उसका श्लोक का आधा भाग पढ़ लो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र खत्म, क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु। अब आप क्या चाहते हैं, क्षेत्र क्या है, गात्र क्षेत्र है। जब भगवान ने स्वयं कह दिया हृदय से तिष्ठति अर्जुन, मैं तेरे हृदय में विराज, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। समाप्त हो गया, इतना ही काफी है। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि वेदैश्च, जो वेदैश्च सर्वैर, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेदना, चार वेद नहीं कहा हमने, अभी न जाने कितने वेद छिपे हुए हैं। और जो चार वेद अभी अमेरिका की गुहा में हैं, वहां पर नाग से रक्षित है, अब उसका समय आ रहा है कि वो वेद आपको मिलेंगे, समय आ रहा है। देखिए यह समय होत बलवान का, कुछ भी आप जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कहां से कहां जाना है, प्रॉपर पर्सन विल कम एट द प्रॉपर टाइम डू प्रॉपर थिंग्स। मैं जब आपसे बजन जी से मिला एक क्षणिक मुलाकात थी और मैंने इनसे कहा, मैंने कई बार उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता, बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन जब ये एक विषय ऐसा दे दिया तो आप सोचिए कि इसके पीछे ऋषि हमारे ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर तीन ऋण, हम लोग नहीं जानते और ना हमने कभी इसकी चिंता की। हम कहते ना हम तो ऋणी नहीं, हमारे पास तो पैसा है, हमें तो बैंक ने लोन वगैरह नहीं दिया, लेकिन आप जब यहाँ पर सशरीर हैं तो आपके ऊपर तीन ऋण हैं। एक है ऋषि ऋण, आप किसी ऋषि से जुड़ेंगे, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आप खोजिए नहीं जानते हो, आप बाबा या परदादा का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनसे जुड़े नहीं हैं, उनसे जुड़े हुए हैं लेकिन आप खोज नहीं करना चाहते। जिन खो जाते हैं पाइया गहरे पानी पर, किनारे पैर हम तो किनारे बैठे मोती आ जाए और नहीं तो जैसे भी हो इनके इन प्रकार जो है वो हम ले, लेकिन हमारे यहाँ वेदों में सिद्धांत ये है कि किसी का पैसा हम नहीं लेंगे, अपनी कमाई का ही खाएंगे। ऋषि भी आपके जो जो ब्रह्मचारी थे वो भी काम करते थे। अब आप देखिए छोटी सी बात दीजिए कि हमारे यहाँ जंगलों में मंगल होता था, ये मंगल सृष्टि की इन्होंने बड़ी मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा नाम मंगल, कहाँ होता था, जंगलों में मंगल होता था। वहाँ पर देखिए शेर भी हैं, चीते भी हैं, हिरण भी हैं, मोर भी हैं, सांप भी हैं, सब एक साथ, सब एक साथ बैठे हुए हैं। क्या था ये, वहाँ शत्रुता खत्म, क्योंकि हर जो चीज़ आपको चाहिए मिल रही है, तो फिर छीन छीना झपटी किस लिए। या तो आप बहुत उस समय क्या था, आज भी ऐसे व्यक्ति हैं, आज का भोजन आपके यहाँ है तो आप कोई अगर उस ब्राह्मण के पास लेके जाएगा कि आप तो पूछेंगे आज का है भोजन है, ले जाइए आप वापस। नहीं, ये हम इसलिए करते हैं कि हम शरीर को प्रधानता नहीं देते। इसीलिए शंकराचार्य परंपरा में या अन्य परंपराओं में यह है कि शिष्य जाता है और मांगता है केवल भोजन, और वो भोजन कितना, जितना कि आवश्यक है, अत्यावश्यक। तो अत्यावश्यक जो चीज है वो नेचर ने आपको दे दी है, और आवश्यक है वहां पर भी हम कंसीडर करते हैं आवश्यक है, ये अनावश्यक ही हमें भावना नहीं चाहिए अगर हम आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। अरे आप अपने को पहचान लीजिए, तुम्हारा लक्ष्य हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, ये भी आओ विचारें बैठ कर, ये समस्याएं सभी आज हमारा सत्संग हो रहा है ये जानने के लिए कि हम आज प्रमोद महाजन ही तो नाम था।
20,000 करोड़ या 2,000 करोड़ जो भी पैसा छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? उसके भाई ने उनकी हत्या कर दी, उनके बच्चे का क्या हुआ? ये सोचिए कि जो अधर्म का, जो भी हम धर्म से जो चीज है वो कभी जाती नहीं है। आप मान के चलिए वेदों में धर्म प्रधान है, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो शिष्यों की रक्षा करना गुरु का कर्तव्य था। विद हिमालयन मास्टर से किताब है, अगर आपको मिले तो पढ़िए। और उसमें क्या है कि एक गुरु कहता है कि आप जाइए और एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सारे वेदों का, पुराणों का अपने से सुन ली जाते थे, एक घंटे में सब कुछ हो जाता। तो उन्होंने कहा कि जाइए आप वहाँ पर, एक सिद्ध है, वो सिद्ध जो चाहते होता है और आप सारा उसे ज्ञान का रहस्य जान सकते हैं। आपको मालूम है कि इंद्र जब ज्ञान का रहस्य लेने के लिए गए कि हम क्या हैं इस आत्मचिंतन के लिए, तो गुरु ने पहले 32 साल पहले बताया कि आप 32 साल तपस्या करिए। ये वेदों में एक कथा आती है उसके पुराण। तो 32 साल तपस्या करने के बाद कहा कि आत्म, ये शरीर ही आत्मा है। इंद्र की समझ में नहीं आई तो कहा जाओ, और राक्षस जो साथ में गया था उसकी समझ में आ गई, शरीर है वो तो चला गया, फिर उसको वापस आना ही नहीं था। वो अपने शरीर को संपुष्ट किया और शक्ति अर्जित की, इंद्र की समझ में आया, फिर आया। अब वो सूक्ष्म की ओर जाते हैं, तो उन्होंने धीरे से उनसे बताया कि ये जो है अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। अब आप जो शरीर के अंदर चीज है उसको छिपने, तो उसके लिए फिर उन्होंने तीसरी बार उसका रहस्य बताया। तो 96 साल वो चले गए और 5 साल मतलब 101 साल के बाद उनको रहस्य बता देगा। ये ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये मानने की बात है कि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, और इस रहस्य को हम कभी भी इस तरह प्रकट भी नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यही है कि जैसे रैक्य महर्षि की कथा आती है, रैक्य महर्षि कैसे उस समय पक्षी संदेश देते थे, तो राजा को संदेश मिला कि एक रैक्य महर्षि हैं, उनके पास जाएंगे तो वेद वेदांग सब वो 1 महीने के अंदर आपको सिखा देंगे। ये पहुँचे वहाँ और पात्र थे। देखिए ऐसा है, ज्ञान दही है, और दही जो है वो पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता, आपको पता ही है। अब आप लोग किस वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं, आप कौन से पात्र, सत्पात्र को ही दिया था, तो ज्ञान सत्पात्र में अगर रखा जाता है तो उसका भी कर्तव्य कि हमें ज्ञान रूपी दही मिला है तो हम क्या करें। तो गुरु कहता है कि इसको आप मथिए, मथने के बाद उसमें से निकलता है मक्खन नवनीत। अगर आप ये बोतल जो आपका दूध है शरीर, इसको अगर आप समुद्र में डाल दें तो क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी खत्म होगी। लेकिन गुरु क्या कहता है, आपकी आइडेंटिटी रहनी है। तो गुरुओं की परंपरा ने ही तो वेदों की रक्षा की है, नहीं तो हमारे पास वेद होते कहाँ, पुराण होते कहाँ, उपुराण होते कहाँ, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होते, आरण्यक नहीं होते, उपनिषद नहीं होते। और आज भी जो एक 108 उपनिषद है, कम से कम 1008 उपनिषद है, कम से कम था। तो अब यह है, इसमें वो गुरु जो है उस आपको अंदर देता है कि भाई आप जो हैं अब आप नवनीत को फेंक दीजिए समुद्र के अंदर, भव सागर है। तो गुरु से पूछा ना कि गुरु कृपालो कृपया वदे, अपार संसार समुद्र मध्य, ये प्रश्न पूछा गया। मैं कोडबर्ड में बात करूंगा कि उस समय लोग कहा, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जितो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदे। बताइए, मैं तो भवसागर में डूब रहा हूँ, डुबकियाँ लगा रहा हूँ, जहाँ मैं कोई खोज करता हूँ वहाँ कुछ अन्यथा हो जाता है और मैं अपना काम अपना लक्ष्य पर पहुँच नहीं पाता हूँ। तो गुरु ने एक बस उत्तर दे दिया, विश्वेश पादाम बुझ दीर्घ नौका, विश्वेश पादाम बुझ दीर्घ नौका। अब उसके उस दीर्घ नौका में बैठ जाइए, पार हो जाइए भवसागर। भवसागर तो पार करना, लक्ष्य तो आपका मोक्ष है। तो मोह का क्षय जब तक नहीं होगा मोक्ष नहीं, हम कब तक भागेंगे। कम से कम इसीलिए हमारे यहाँ फिक्स किया था कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास। अरे संन्यास ही नहीं ले रहे, हो रहे हैं 90 साल के, वो पकड़े हुए हैं कुर्सी को, पकड़े हैं, ये कुर्सी का खेल है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप
अगर आपको आत्मचिंतन करना है, मनीषा की गहराइयों में जाना है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा तो त्याग करना, थोड़ा सा त्याग आपको करिए। आपको आज कलयुग में बहुत ही आसान है आत्मसाक्षात करना। आप देखिए, आप नाम जब भी करें, कोई मंत्र भी है, तो ये माता कहती थी कि कोई भी मंत्र हो, आप जो मंत्र चाहें पढ़ें, उसमें लीन हो जाए, उसमें बिल्कुल तल्लीन होकर देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। राम, जैसे राम हमारे यहाँ कहाँ से है? राम कोई साधारण दशरथ का पुत्र नहीं, जो कबीर ने कहा वही बात सही है, रमनते योगिनी उसमें स राम। और इसकी इसका प्रमाण ये है कि जब शिवजी ने देखा और सती बैठी हुई थी, तो शिवजी ने उनको प्रणाम किया, मनुष्य के रूप में जा रहे थे राम लक्ष्मण, तो कहा कि आपने प्रणाम। हर पत्नी चाहते, पत्नी तो आप जानते हैं, पत्नी का हर चीज कार्य करते हैं, पतनात रक्षती थी पत्नी, जो आपकी पतन से रक्षा करे वो पत्नी है। आज कहाँ है, हम कहाँ किस दुनिया में रहते हैं? तो उसने सती ने पूछा कि ऐसा कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं? तो ये साक्षात विष्णु है, उनकी समझ में नहीं आया, ये राम, ये छोटा सा आदमी, ये कैसे राम विष्णु कैसे हो सकता है? तो शिव जी समझ गए, उस समय तो सब जानते ही थे, उनका जाइए आप परीक्षा ले लीजिए। तो सती ने क्या किया, सीता का वेश धारण, उस समय आप कोई भी वेश धारण, आप भजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहीं बैठे बैठे तीन रूप में, चार रूप में, जहाँ चाहें आप प्रकट हो सकते हैं। आप तो कंप्यूटर सिद्ध कर रहा है, हमारे यहाँ जो हार्ड डिस्क में जो चीज़ें हैं, आप किसी रूप में, ये पहले विश्वास नहीं करते, आज सब विश्वास कर लें कि ममात्मा सर्वभूत आत्मा, मैं आपके अंदर हूँ, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। हार्ड डिस्क में है तो हार्ड डिस्क में निकालना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जो आपको, जब आप आए, आप सब कुछ लेकर आए, आपके पास सब कुछ है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, इसका कारण क्या है? आपके पास हार्ड डिस्क दी गई, आपको तो केवल अपना लक्ष्य जो है वो, यही जो अर्जुन से कहा ना कि क्या देख रहे हो, ना तो वो पेड़ देख रहा है, ना शाखाएं देख रहा है, ना पत्ते देख रहा है, ना चिड़िया देख रहा है, चिड़िया की आँख देख रहा है। हम तो हर जगह से, जहाँ से जो मिले उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त जो करना चाहता है उसको कुछ नहीं मिलता। कर्ण ने सब कुछ दान किया, और दान करने के बाद जब कर्ण वहां पहुंचा स्वर्ग में, तो जो जो उसने दान किया था, सौ गुनी चीजें वहां थी, लेकिन उसने अन्न दान नहीं किया था। तो फिर उसने वहां जाकर अन्न दान किया। आज हम सब चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए कि आज ये मनीषा के जो चिंतन, जो वो हमारा भारतीय मनीषा है, उसके मूल स्रोत की ओर जाते हैं, तो वेदों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपने वो तो चार बता दिए कि वेद हैं, उसमें ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ये लंबी कहानी है, लेकिन उसके अंदर जब आप जाते हैं तो कल्प है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, तो ये सब चीजें कहाँ से आप लाएंगे? आप हर चीज को, यानी उस समय जो उन्होंने गणित लगाया था आज भी सही है, सूर्य उसी समय उगता है, उसी समय अस्त होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये ऋषियों की कल्पना है। ऋषयः परम द्रष्टारः, ऋषि परम द्रष्टा थे, वो सब जानते थे। और वाल्मीकि, एक बड़ी मनोरंजक कहानी बता रहा हूँ, कि जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, वाल्मीकि रामायण, हनुमान जी ने भी एक रामायण लिख दी, हनुमान जी ने, ये आपको बड़ा परम रहस्य बता रहा हूँ, हनुमान जी ने भी अपने रामचरित उठा लिख दिया, और वो राम के पास गए, बताइए मैंने आपको प्रतिभा लिखी, आप उस पर मतलब शरीर लगा दें, तो प्रकाशित करें। तो राम मुस्कराए, कहा वो वाल्मीकि है ना, वो साइन कर दें, बस मेरा सिग्नेचर हो गया। उस समय इतना विश्वास था, और वो अधिक विश्वास जो था, तो वहाँ गए हनुमान जी, वाल्मीकि ने पढ़ा, लेकिन वाह, वाल्मीकि जी ने कहा वाह, मन में कहा वाह, ये तो मेरे से भी अच्छी रामायण पढ़ी, तो वो भक्ति की थी, वो तो वो एक उसे डूब गया था, और इतना अच्छा अच्छी वाल्मीकि रामायण नहीं थी। अब ईर्ष्या वहाँ भी थी, अब ईर्ष्या हो गई, मेरी रामायण कौन पढ़ेगा, तो सीधा इसके हनुमान की रामायण पढ़ेंगे। तुम कहा देखो, ऐसा मैं साइन तो कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है,
मैं साइन करूं, आप इसको समझ लो। हनुमान जैसा भक्त भी साइन तो हो गया, मेरी भावनाएं सही है और जो मैंने लिखा वो बिल्कुल सही है। उस समय ये नहीं लगी थी लोगों को छपास लगती है, किताब निकल जाए दो निकल जाए तीन निकल जाए, कुछ नहीं था। कोई लोग कभी यश के पीछे नहीं भागे। यद्यपि ये आप मानते हैं जयंते सुकृतनो रसिद्धा कविश्वरा नास्ति ये शामेशा काये जरा मरण, यश जो है ये शरीर है, आप लिखे न जाए आपकी सब चीजें उसके अंदर प्रकृति सुरक्षित रखती है। तो हनुमान चंद्र इधर थे, तो वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग तुम फिर पैदा, और वही तुलसीदास के नाम है, और तुलसीदास की रामचरित मानस वाल्मीकि रामायण से बहुत आगे बढ़ गई और जन मानस तक में प्रवेश कर चुकी है। वह वाल्मीकि रामायण कौन जानता। तो कहने का मतलब यह है कि ये आशीर्वाद होते थे लोगों की, ये मनीषा थी, ये मनन चिंतन जिसको आप कहना चाहिए ये था, जो चीज वो देते थे, वो देते थे शाश्वत इटर्नल, तो जैसे सत्यचित आनंद जो आप एग्जिस्टेंस नॉलेज एंड ब्लिस, तो आपको वो चीज मिलती थी जो कहीं मिलेगी। इसलिए फिर हम आते हैं वेदों पर, तो वेदों में ये चीजें आपको अगर खोजनी है तो आप देखिए कि पहले तो वेद की जो कॉपी आपको मिल रही है वो उसमें पाठांतर कितने हैं, पाठ भेद कितने हैं। वेदों में भी बहुत ज्यादा मिला हुआ, जैसे उदाहरण के लिए रामायण मैंने चार वॉल्यूम लिखे वाल्मीकि रामायण, क्योंकि चैलेंज था, चुनौती थी कि वाल्मीकि रामायण आज तक मलयालम में नहीं छपी है और ये उत्तर भारतीय युवक वाल्मीकि रामायण छापे कैसे, तो मेरे साथ बहुत संघर्ष हुआ, वो मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन चार वॉल्यूम शंकर दयाल शर्मा को मैंने भेंट की और उससे लोगों ने समझा कि हाँ ये धुन का पक्का है। जब मैंने कालिदास साहित्य सर्वस्व कहा तो कालिदास की सारी कृतियाँ मलयालम में थी, आज उसके 5 एडिशन हो चुके हैं, और मैंने भास के जो कालिदास गुरु थे भास का लिखा तब भी यही बात थी, ये है क्या। तो मैंने रामायण लिखी, उसके बाद एक बहुत बड़े पंडित थे, आप नाम सुनो, के पी नारायण पिछाड़ी, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, हम लोग पास बैठते थे, और वो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि वाल्मीकि रामायण जो है 24,000 श्लोक हैं, मुझे लगता है कि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक नहीं लिखे, उन्होंने 6,666 श्लोक हैं मैंने मार्क कर दिया है, एक आधा श्लोक है, फिर आधा श्लोक 10 लोगों के बाद मिलता है। कहानियाँ बार बार कही गई वाल्मीकि रामायण, अगर आपने पढ़ी हो तो देखिए कई बार कहानियाँ वही चीज़ें बार बार आती हैं। और तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरे मन में भी आ रहा था कि ये है, तो अगर 6,696 का 24 यहाँ भी आ जाते हैं, और षण्मुख स्वामी कार्तिकेय जी हैं, श्री के पुत्र हैं, और उन्होंने स्कांद पुराण में कहा है कि रामायण के प्रचार करने वाले को मोक्ष मिलेगा, और वाल्मीकि ने स्वयं कहा यावत स्थास्यन्ति गिरया सरितश्च महीतले तावत रामायणी कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। आप बताइए आज का कवि ऐसा कोई है ये कह दे, और बड़ी गारंटी के साथ कहा, कब, त्रेता युग में। तो सतयुग में तो वो चीज थी जो सिद्ध थे संतों ने, तो कोई चिंता ही नहीं थी, वो तो बस साक्षात्कार करते रहे और वो बीज रूप में आपको सूक्तों के रूप में मिले हैं उनके शिष्यों ने जो उस समय लिखे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे आरण्य हो, चाहे जो आपके सामने उपयोग होता है। लेकिन ये चीजें कैसे सुरक्षित रही ये सोचने की बात, इसे कहते हैं वाइब्रेशंस। ये हमारे बजरंग यहाँ बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर जो कुछ भी बोले हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभिनव जी की इच्छा थी तो मैंने इनसे परमिशन ली और बजरंग जी से परमिशन ली, एक इच्छा के लिए एक जन्म होता है, मैं नहीं चाहता था कि अभिनव जी को जन्म लेना पड़े, मुझे भी जन्म लेना पड़े, ये मतलब ये है कि एक रहस्य बता रहा हूँ आपको, मेरे से जो भी कोई बात, अब जैसे सुनील ने कहा मैं टालता, मैंने कहा नहीं ठीक है, कहने का मतलब ये है हम आप मिल रहे हैं, एक आज का नहीं है, ये पूर्व जन्म का है, और यही सिद्ध किया है भगवान श्री कृष्ण ने। जब अर्जुन कांपने लगा सीदंती मम गात्राणी, तो उन्होंने कहा नहीं कांपने की जरूरत नहीं, तो आए तो मेरे पास कि युद्ध करना है तुम्हें, तो ये चाहिए तो आए थे, तो अब आप जिस काम के लिए आए हो तो करना है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जब उपदेश, देखिए मैं ये साथ महाभारत हो चुका है, इसकी डॉक्यूमेंट्री आप देखने जा रहे हैं, ये तो पहले शूटिंग हो चुकी है, इसका फिल्म बन चुकी है, और ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ, लेकिन लेकिन तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो, दिव्य चक्षु ददामि ते,
मैं तुम्हें डिवाइन आई दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। तब दी और उन्होंने देख लिया, देख करके फिर कहा मैं तैयार हूँ युद्ध करने के लिए, क्योंकि सब कुछ हो चुका था। तो ये भी सब हो चुका है। हमारे बजरंग जी से कोई एक दिन की मुलाकात, असली से एक दिन की मुलाकात नहीं है। अब गुप्ता जी की बात हम लोग चर्चा कर रहे थे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है ये सब गुप्त हैं। अब गुप्ता जी आए हैं, गुप्त चीज़ें लेके आए हैं, ये इनके पीछे भी रहस्य है। और मिस्टीरियस ऑफ द वेज ऑफ गॉड। अब आप बताइए गॉड है क्या? GOD अभी आप NIIT ICI जो भी देते हैं हल्का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो मुझे बताइए कि ये गॉड का जी क्या है, ओ क्या है, डी क्या है? मुश्किल है, मैं बता देता हूँ। जी स्टैंड फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। और कालिदास ने लिखा है सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतु, सृष्टि और स्थिति और संहार, ये शिव जी। तो मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, शिव और विष्णु ये कभी छोटा भाई बन जाते, कभी बड़े भाई बन जाते, आपस में इनका वो हो जाता है। जब कोई संकट आता है तो बड़े भाई के रूप में जाते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं, बड़े भाई रक्षा करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप इन चीज़ों की गहराई में जाएं। तो अब आप जैसे रामायण की बात मैंने कही, तो रामायण में 24,000 श्लोक शिष्यों में क्या था उस समय, नाम हो ये कोई बात नहीं है, आपने लिख दिया। अब मेरा कम से कम ये मेरा बच्चा है, मैं तो जानता हूँ इसके बारे में लोग क्या सोचें। तो अपने साथ जोड़ते चले गए शिष्य लोग, और शिष्य भी प्रतिभाशाली थे, बिल्कुल इसी रूप में जोड़ते गए। लेकिन बाण के सामने समस्या आ गई थी, और बाण वो जब पूरा नहीं कर पाया तो उन्होंने अपने दो पुत्रों को बुलाया। तो दोनों पुत्रों से पूछा कि देखो ये सामने तुम्हारे पेड़ खड़ा हुआ है, इस पर लिखो ये श्लोक लिखो। पुत्र ने कहा शुष्कस वृक्षस तिष्ठत तग्रे, दूसरे ने कहा नीरस तरुणी विरसति पुरतः। उन्होंने कहा ये तुम ही पूरा कर सकते हो मेरी। तो मतलब यह है कि कहने का भी एक अपना ढंग होता है। हमारे ऋषियों जो हमें मनीषा भेंट की है उसको मंजूषा कहिए आप, वो मनीषा जो भेंट की है उसमें सभी कुछ है, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रखा है। और यहाँ तक कि वेदों में तो ये भी लिखा गया है कि आपको कैसे जीना। अब आप देखिए कि जंगलों को आप काट रहे हैं, कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप। और जंगलों को काट काट करके जमीन जो खेती बाड़ी जमीन उसको लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, कितना बड़ा अत्याचार रियल इस्टेट को ध्यान में रखकर। रियल इस्टेट क्या चाहता है, पैसा चाहता है। आप बताइए कि अक्षरधाम के पास जो फ्लैट बना हुआ है 2.5 करोड़ का बिक रहा है, और वो भी गेम्स के बाद। आप पैसे के पीछे जाएंगे, लक्ष्मी सदा चंचल। हम सरस्वती के आराधक, जो हमारा वंश परंपरा है, हमारे ऋषियों के ऋण से हमें मुक्त होना है, देवताओं के ऋण से मुक्त होना है, और पितृ ऋण से मुक्त होना है। इसके लिए हमें कुछ और भी करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इस लौकिकता को छोड़ दीजिए, लेकिन लौकिकता के साथ दैविकता चलनी चाहिए, और आत्मिकता या आध्यात्मिकता चलनी चाहिए। यह हमारे अंदर है। मैंने कहा ना कि हमारे अंदर बहुत चीज़ें गुरु ने बताई। जैसे अब मान लीजिए हमारे अंदर 16,008 नाड़ियाँ हैं, हम कहते हैं 16,008 जो हैं उनकी प्रेमिकाएँ थी। मतलब देखिए हर ऋषि ने या जिस व्यक्ति ने भी लिखा उसका दो रूप रहे सदैव। तो वेद व्यास जब हम उस त्रेता युग की बात कर रहे थे, तो रामायण में जब इतनी बड़ी भविष्यवाणी, अगर रामायण के ऊपर आप बोलना चाहें जो हमारे मनीषा का मूल स्रोत है, दूसरा मूल स्रोत है महाभारत। देखिए आज कितना भी साहित्य उठा लीजिए ये रामायण और महाभारत पर बेस्ड है, वो किसी न किसी रूप में, मैं झूठ नहीं कहता, कहीं न कहीं से वो चोरी करके रूप बदल करके नाम बदल करके। अरे कौन पढ़ेगा, कौन इसको देखेगा? आज जो है साहित्य की चोरी हो रही है वो इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है। भाई एक प्रतिभा होनी चाहिए, नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, जो एकदम आपके अंदर से प्रस्फुट होती है और आपके अंदर से वो भाव निकलते हैं और आप भावधारा में बह जाते हैं, विचार धारा में बह जाते हैं और कुछ नई चीज देके जाते हैं। ये हमारे ऋषि देते थे।
तो अब आपने रामायण को और महाभारत जैसे कालिदास का है, कालिदास जी ने कह भी दिया है पुराण मित्तेव नहि साधु सर्व, तो वहां पर उन्होंने लेकर के कहा कि भाई देखो ये कहानी, आप देखिए रघुवंश हो चाहे कुमार संभव हो, कहानी कहाँ से ली, खुद कहते हैं मालिकाई मित्र हो, ये जो भी चीजें ली जाती हैं आप उन चीजों को देखिए। और भास के नाटकों में देखिए कुछ महाभारत पर आधारित हैं, कुछ रामायण पर, दो केवल उन्होंने अलग वास्तविकता की कहानी उन्हें कर दी, लेकिन है सब वही से, हम सोर्स हमारा वही है, स्रोत वही है, और हम जितना जितना लेते हैं देखते वर्तत नित्येव विद्याधनं सर्वधनात्मानम्। आप ले लेंगे तो महाभारत में कोई कमी नहीं है नहीं। और ना रामायण में कोई कमी नहीं, आप एक लोटा पानी ले लिया, आपने पी लिया, आप संतुष्ट हो गए, बहुत बढ़िया किया, आप संतुष्ट हो गए ना, तो वो ऋषि कहता है चलो तुम संतुष्ट हो जाओ कि अब आप ममात्मा सर्वभूत आत्मा, अब आपका लिंक वहां पर था, एक एक लोटा पानी आपको लेना था, आपने ले लिया, आपने बड़े ढंग से अपना नाम छाप दिया, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि हम